अगर ये सवाल के बारे में सोचते हैं कि आखिर में ईश्वर पालनहार जो है, परम परमेश्वर जो है, वो एक है या अनेक है, तो इस सवाल के जवाब में आइए जरा हम एक मिसाल के बारे में गौर करें। एक गाड़ी में अगर दो ड्राइवर हो जाएं, एक ड्राइवर राइट से खींचे, एक ड्राइवर लेफ्ट से खींचे, एक एक्सीलरेटर दबाए और एक ब्रेक दबाए, तो क्या हाल हो जाएगा गाड़ी का? अगर दो ड्राइवर हो तो एक गाड़ी का क्या हाल हो जाएगा? अब जरा सोचिए कि अगर पूरी सृष्टि में, यूनिवर्स में, अगर एक मालिक के अलावा कोई और होता, उसके अलावा कोई और पालनहार होता, कोई और गॉड होता, तो यहां पर तो कितना बड़ा दरहम बरहम, कितना सब कुछ नष्ट हो गया होता। एक छोटी सी गाड़ी में यह हाल हो जाता है तो पूरी दुनिया में क्या हाल हो जाता। तो सही बात तो यह है कि आपका और मेरा, बल्कि हर इंसान का पालनहार और बनाने वाला एक ही है, हमारे बहुत सारे बनाने वाले नहीं है। और उसने हमें बनाया है, उसने हमें पैदा किया है दुनिया में एक मकसद की वजह से। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह अल-अंबिया में सूरह 21 आयत नंबर 22, वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद और ऐसे होते जिनकी पूजा की जाए, उपासना की जाए, बंदगी की जाए, वर्शिप किया जाए, ऐसे होते लफसदता, फसाद हो जाता। तो यकीनन अरबिक जुबान में हम उसे अल्लाह कहते हैं, लेकिन चाहे इंसान जिस किसी जुबान में जो कुछ कहे, बात हमारे मालिक की हो रही है। वो मालिक अकेला है और वही है इस दुनिया का बनाने वाला, और जब बनाने वाला वही है तो इस पूरी दुनिया का मालिक भी वही है, और जब मालिक वही है चलाने वाला भी वही है। उसी के हाथ में सब कुछ है, अच्छा भी उसी के हाथ में है, कई बार परीक्षाएं परेशानियां वो भी आती हैं, वो भी उसी के हाथ में है, नेमत आसानी भलाई वो भी देने वाला वही है, परेशानी मुश्किल आजमाइश वो भी देने वाला वही है। हमें उससे अपने आप को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे दूर अगर हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, हम अगर उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हमने एक ऐसी ताकत को छोड़ दी जो इस पूरी दुनिया का बनाने वाला है। हमारी ज़िंदगी में खालीपन आ जाएगा, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें परेशानियों में सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, ज़िंदगी एक बोझ बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ज़िंदगी के अर्थ से, मकसद से दूर हो जाएंगे, हम अपने मालिक से दूर हो जाएंगे। आइए थोड़ा आज की हमारी बिजी लाइफ और शेड्यूल में से चंद मिनटें निकाल कर ज़रा हम सोचते हैं अपने पालनहार के बारे में।